लाडली लाल की जय। हरि अनुराग होया गोविंद राधे, हरि समस्त शास्त्रों वेदों में, समस्त धर्मों में, समस्त मतों में दो ही बात हो सकती है। एक दुख निवृत्ति, एक आनंद प्राप्ति। हमारे यहां न्याय वैशेषिक सांख्य वेदांत को छोड़कर समस्त दर्शन दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य बताते हैं। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु। जैसे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कोई कहता है 16 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी, कोई कहता है 6 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी, कोई कहता है चित्त वृत्ति पर निरोध कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी, कोई कहता है कर्म धर्म का पालन करके स्वर्ग प्राप्त कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी। किंतु वेदांत कहता है कि दुख निवृत्ति लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा आनंद प्राप्ति लक्ष्य है। वेदांत में भी कुछ भोले भाले वेदांती अद्वैती दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य मानते हैं, किंतु 99% वैष्णवाचार्य आनंद प्राप्ति सुख प्राप्ति को ही लक्ष्य मानते हैं। और लॉजिक से भी ये बात समझ में आती है कि अगर आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। अगर कोई पैसे वाला हो जाए तो गरीबी तो अपने आप चली जाएगी। इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही सही है। कुछ लोग दोनों कहते हैं,
सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, मुझे सुख मिले दुख ना मिले। ये दो बातें किस लिए हैं उसकी साइंस भी समझ लो। एक तो जीव है, एक भगवान है, एक माया है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। एक जीव है हम लोग, एक भगवान है, एक माया है। माया का जगत है, यूं समझ लो। तो माया के जगत में दुख है, भगवान के जगत में आनंद है। हम माया के जगत में अनादिकाल से दुखी हो रहे हैं। भगवान का आनंद कभी नहीं मिला। आनंद एक बार भी मिल जाए तो कभी नहीं छिना करता। आनंद पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता, जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता। किंतु अंधकार पर प्रकाश का अधिकार होता है। तो संसार में दुख है, हम लोग दुखी हो रहे हैं। वेद व्यास कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमम्बा बिन्देत भूयस्त तत एव दुःखम्। भागवत तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का दूसरा श्लोक। प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण सुख के लिए प्रत्येक वर्क करता है, किंतु दुख मिलता है। करता है सुख के लिए लेकिन मिलता है दुख। बड़ी बड़ी बुद्धि वाले, बड़े बड़े अकल के ठेकेदार हुए हैं हमारे विश्व में, हैं आगे भी होंगे। बड़े तिकड़म लगाते हैं, हम शरीर को स्वस्थ कर लेंगे तो आनंद मिल जाएगा, पहलवान हो जाएंगे तो, हम अरबपति हो जाएंगे तो आनंद मिल जाएगा, हमारी बीबी आ जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए तो आनंद मिल जाएगा, हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो जाए तो आनंद। बड़ी बड़ी तरकीबें लगा रहे हैं लोग, यहां तक कि हम धर्म कर्म करके स्वर्ग पाले तो आनंद मिल जाएगा। लेकिन न तई सुखम, सुख नहीं मिला किसी को, न मिलेगा। ये सुख मिलना या दुख मिलना किसको होता है, ये विचारणीय है। पहला प्रश्न ABCD ज्ञान की प्रारंभ होती है यहां से। ये दुख किसको मिल रहा है, आनंद कौन चाहता है, किसको मिलेगा, ये कौन है। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक शरीर, शरीर माने शरीर और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय,
एक शरीर है और एक मन है, वो सूक्ष्म है। शरीर तो स्थूल है, इंद्रियां भी स्थूल है, आंख कान नासिका रसना त्वचा हाथ पैर ये सब 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये शरीर और मन सूक्ष्म है। एक और चीज है सुनते हैं, आत्मा। जिसके चले जाने के बाद ये सब समाप्त हो जाते हैं, यानी शरीर इंद्रिय मन जड़ हैं। आत्मा की चेतनता को पाकर ये सब चैतन्य वर्क कर रहे हैं। जब आप लोग कहते हैं वो मर गया, वो बड़ी बड़ी आंख है, बड़े बड़े कान है, अभी 18 साल का जवान है, सब बेकार 0/100, न सुनता है न देखता है न सूंघता है न रस लेता है न स्पर्श करता है, कोई हरकत नहीं। और 24 घंटे में ही शरीर गलना प्रारंभ हो जाता है, बदबू आने लगती है। तो ये कौन है वर्क का वर्कर, कर्म का कर्ता? ये पहला प्रश्न है। सारा संसार यही गड़बड़ कर रहा है, इसी प्रश्न को नहीं हल कर पाया। बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मतावलंबी सब धोखे में। तो सबसे पहले समझो कि दुख सुख, अच्छा कर्म बुरा कर्म, कुछ भी, इनका सबका कर्ता मन है। मन रट लो रट लो, मन केवल मन, मन भी नहीं मन ही। वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। फिर कहता है वेद मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो, साठ्यायिनी उपनिषद 11वां मंत्र। फिर कहता है वेद चेतः चित्तमेव हि संसारः, 3रा मंत्र साठ्यायिनी उपनिषद। फिर कहता है वेद मन एव हि संसारः, एव हर जगह बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है। तेजो बिंदु उपनिषद 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। नारद पुराण भी कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो। पंचदशी भी कहती है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो। भागवत भी कहती है चित्त में वही संसारा तत्प्रयत्नेन शोधयेत, 3रे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक।
फिर भागवत कहती है मनः परम कारण मामनंति। 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। फिर वेद कहता है चित्त में वह संसारस्तत् प्रयत्ने न शोधयेत। मैत्रेयी उपनिषद पहले अध्याय का 5वां मंत्र। इतने तो हम सारे वेद शास्त्र पुराण एक स्वर से कह रहे हैं मन ही। और हमारे संसार में बड़े बड़े बुद्धिमान मन को उड़ा दिए और रसना से इंद्रियों से कर्म करने का अभ्यास हो गया है। इंद्रियों से उसको एक्टिंग कहते हैं हमारे संसार में। आई लव यू ये क्या है? एक्टिंग। सब एक दूसरे से बोले जा रहे हैं ऑल राइट ये जबान से, एक भी राइट नहीं है और बोले जा रहा है ऑल राइट। भीतर से फीलिंग नहीं है और बाहर से सॉरी सॉरी दिन भर। ये इंद्रियों का वर्क दिन रात हम यही करते हैं। अरे बाहर तो करते ही हैं, अपने माँ बाप बेटा बीबी पति से भी करते हैं यही। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यही करते हैं। तो इसी प्रकार संसार से वैराग्य जिनका मत है, संसार में सुख नहीं है, मन को हटा लो। तो मन को हटा लो नहीं कहते, वैराग्य। ये वैरागी बाबा है। ये वैरागी बाबा का मतलब क्या? संसार छोड़ दिया, यानी माँ बाप बेटा स्त्री पति सब छोड़ दिया या मर गए सब, तो बाबा जी हो गए। ये क्या कर रहे हैं बाबा जी? त्याग। किसका त्याग? बाहर का त्याग, बाहरी त्याग। और ये बाबा जी भजन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बाहरी भजन। बाहरी भजन क्या होता है? इंद्रियों का पूजन, मूर्ति का। गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, राम जी भी हैं, श्याम जी भी हैं, मेरे सारे भगवान रखे हैं। और जल्दी 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 चंदन लगाया और फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, प्रणाम किया, आरती किया। ये क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये अनुराग है, ये तो फिजिकल ड्रिल है, शारीरिक क्रिया है, पाठ हो रहा है जबान से, गीता भागवत रामायण। मार्चिंग हो रही है चारों धाम की। शरीर से, इंद्रियों से, यानी अनुराग का अर्थ इंद्रियों से अनुराग, वैराग्य का अर्थ इंद्रियों से वैराग्य। ये फलाहारी हैं, ये जलाहारी हैं,
ये कपड़ा नहीं पहनते, दिगंबर है, ये जंगल में रहते हैं, ये किसी से बात नहीं करते, मौनी बाबा है, ये सब क्या है? ये सब पाखंड है, दंभ है, वैराग्य नहीं। वैराग्य मन को करना है, अनुराग मन को करना है। और एक मन है ध्यान रहे, एक मन है आंख दो कान दो नासिका के छेद दो हाथ दो पैर दो लाइंस दो तमाम चीजें दो दो भगवान ने बनाई, लेकिन मन एक बनाया। बड़े चालाक हैं भगवान। उन्होंने कहा अगर हम दो मन बना देंगे तो एक हम में लगाएगा एक संसार में लगाएगा और कह देगा हम भी भक्त हैं आपके। तो भगवान ने एक मन बनाया कि चाहे संसार में लगाओ चाहे भगवान में एक जगह लगा सकते हो। उद्धव जी ने जब गोपियों को उपदेश दिया कि ब्रह्म में मन लगाओ निराकार ब्रह्म में, तो गोपियों ने कहा मन तो एक है उद्धव जी। हाँ हाँ एक है तो उसी को तो कह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुमको पता है मेरा मन है कहाँ? वो ले गया तुम्हारा सखा। एक हुतो सो गयो श्याम संग गयो, मेरे पास है ही नहीं। अब को अवराधे ईश, ये तुम्हारा निराकार ईश को कौन उपासना करे? तो मन एक है, उसी को वैराग्य करना है, उसी को अनुराग करना है। और केवल वैराग्य हो नहीं सकता, केवल अनुराग हो नहीं सकता। क्यों? फिर बताएंगे।